Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके ग्राम पंचायत के लिए जो काम आया है, बट आपको ये तो पता नहीं होगा कि ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन सा काम आया है। बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप अपने ग्राम पंचायत की वर्क डिटेल्स को देख सकते हैं। ये सब तो थी फालतू की बातें, अब आते हैं टॉपिक पर। जो कार्य आपके ग्राम पंचायत के लिए आया है, उस कार्य के लिए जो व्यक्ति एलिजिबल है वही कर रहा है, या ग्राम प्रधान या मुखिया ने अपने किसी सगे संबंधी, अपने घर के किसी सदस्य का नाम वहाँ पर डालकर उसके पैसे को खुद हड़प रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा फील्ड मास्टर रोल निकालना सिखाया है, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से घर बैठे निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आया है और कौन कितना प्रेजेंट है या कितना एब्सेंट है या कौन उस कार्य को कर रहा है। ये सब कुछ मैं आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं अजय टेक प्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है NREGA और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट दिख रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम आउट करना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर पंचायत लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत पर क्लिक करना है। ग्राम पंचायत पर क्लिक करते ही आपको दूसरे वेब पेज में आपको यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, जिस ईयर का आपको डाटा चाहिए। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेरा बस्ती है, मैं बस्ती कर ले रहा हूँ। फिर आपको अपना ब्लॉक चूज करना है। ब्लॉक चूज करने के बाद आपको अपना पंचायत चूज करना है। मेरा पंचायत है पितूड़ा। पितूड़ा कहाँ है, कहाँ है। फिर पितूड़ा चूज करने के बाद मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहीं कहीं आपको मस्टर रोल दिखाई देगा। दूसरे ऑप्शन में आठवें नंबर पर मस्टर रोल है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मस्टर रोल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने ग्राम पंचायत में जो वर्क आया हुआ है उसका कोड है, आपको ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, कोड के साथ उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको MSR नंबर डालना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना MSR नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने नीचे पूरी मस्टर रोल खुलकर आ गई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, और फिर यहाँ पर आपको कितना पैसा आया हुआ है, किस बैंक में आया हुआ है, बैंक का IFSC कोड क्या है। उसके बाद आपको किस तारीख को आपका पैसा आया है। यहाँ से आप आदमी के नंबर पर क्लिक करके आप उसकी जॉब का डिटेल्स को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति ने काम किया है वो कितने कितने तारीख को काम किया है और कितने दिन काम किया, सारी लिस्ट आपके सामने आ गई है। यहाँ से आप सारी की सारा मास्टर रोल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर नीचे वो व्यक्ति कौन सा काम किया है, किस काम में उसने अपना पूरा समय दिया है, कितने दिन काम किया है, सारी की सारा मास्टर रोल आपके सामने निकल कर आ चुका है। यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक करके पूरा उसका मास्टर रोल फिर से देख सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर पूरा मास्टर रोल निकल के आ चुका है।
यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल अमाउंट कितना आया हुआ था उस कार्य के लिए, 3,18,150 रुपये। फिर आपको यहाँ पर सारे लोगों की लिस्ट दिखाई दे रही हो, सारे वर्क की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक मास्टर रोल खोल के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा देख सकते हैं कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, कौन सा क्या, कितनी तारीख को आया है, किस अकाउंट में आया है, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने सीखा कि अपने ग्राम पंचायत का मास्टर रोल कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।